दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि हम आपको इस वीडियो में आज के मैच का हाल बताने वाले हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या विराट कोहली की जगह अजिंक्य रहाणे को लाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि उनकी आज बहुत ज़रूरत लगी है पूरे देश को। आपको बता दें कि दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है और इंग्लैंड के 8 विकेट पर 555 रन बनाए हैं। जो रूट ने दोहरा शतक जड़ा है और जिस पर पूरे देश को अजिंक्य रहाणे की कमी खल गई। दोस्तों फैंस ये कह रहे हैं कि विराट कोहली को अब कैप्टेंसी से हटा देना चाहिए, और जैसा कि लोग चाहते हैं कि अजिंक्य रहाणे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इतने प्रॉब्लम्स में भी भारत को जीत दिलाई थी, उन्हें वापस लेके आना चाहिए ताकि वो अब अपना जलवा चेन्नई में भी दिखा सकें इंग्लैंड के सामने। आपको बता दें कि विराट कोहली फेल होते नजर आ रहे हैं। विराट कोहली की कप्तानी में इंग्लैंड के अभी 2 दिन बीत चुके हैं और सिर्फ 8 विकेट हुए हैं और उन्होंने 555 रन बना लिए हैं और जो रूट है तो दोहरा शतक जड़ दिया है। आपको बता दें कि दूसरे दिन टी ब्रेक के बाद जो रूट 218 रन की मैराथन पारी खेलकर आउट हुए। शाहबाज नदीम ने LBW आउट कर रूट को आउट करने में सफलता पाई। रूट ने अपनी पारी में 377 गेंद का सामना किया और 218 रन बनाए। बता दें कि इंग्लैंड ने पहले दिन 3 विकेट पर 663 रन बनाए थे, जिसमें रूट 128 रन और स्टोक्स बिना रन बनाए क्रीज पर मौजूद थे। रूट ने अपने 100वें टेस्ट में भी शतक जमाकर कमाल कर दिया। रूट का उनके कैरियर का 20वां शतक है। तो आज का दिन भी भारत के लिए कुछ खास नहीं रहा, लेकिन इंग्लैंड ने अच्छी रन स्कोर किया जिसकी वजह से भारतीय फैंस को बुरा लगा और उन्होंने विराट कोहली को कैप्टेंसी से हटाने की बात कही और अजिंक्य रहाणे को वापस लाने की बात कही। दोस्तों आपका क्या कहना है इस पर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप भारत को जीतते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।